नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। कहते हैं मुझे जीता नहीं जा सकता, मुझे फतेह करने की हसरत लेकर मेरी जमीन पर सैन्य भुट्टों को उतारने वाले दुनिया के साम्राज्यों को यहां से बड़ी रुसवाई के साथ रुखसत होना पड़ा है। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चला गया, वो मेरी जमीन से अपनी आधी अधूरी हसरतों के साथ मुंह छुपाए विदा हो गया। बाइडेन के पास अमेरिका की प्रेसिडेंशियलशिप तब है जब ग्लोबल पावर सेंटर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का सारण भी हुआ है। 31 अगस्त 2021, आज का ये दिन विश्व के इतिहास में वो तारीख हो गई जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का सरदार कहने वाले अमेरिका की मिलिट्री पावर उसी धारणा का शिकार हो गई जो कहती है कि मैं साम्राज्यों का कब्रिस्तान हूँ। ये वो तमाम बातें हैं जो आज अफगानिस्तान कह रहा है। 19 साल 10 महीने और 25 दिनों के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। 2 दशकों की लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका यहां से लौटा है, जिसे एक बड़ी हार भी माना जा रहा है। सोमवार की देर रात को जब अमेरिका का आखिरी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ा तो तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न भी मनाया। काबुल की सड़कों पर तालिबान द्वारा हवाई फायरिंग की गई और ऐसे में अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। यानी कि अगर अब किसी को देश से बाहर जाना है तो तालिबान के इजाजत के बिना नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल है। यही कारण है कि करीब 20 साल की इस लड़ाई का जश्न मनाने में तालिबान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के वापस लौटते ही नॉनस्टॉप हवाई फायरिंग की गई और जश्न भी मनाया गया। सिर्फ फायरिंग ही नहीं, तालिबान की ओर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पटाखे भी जलाए गए और आसमान को रोशन कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का आखिरी सैन्य विमान अफगानिस्तान से उड़ान भरकर वापस चला गया और इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिका की पूर्ण वापसी का काम पूरा हो गया है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले सैन्य मिशन का इसी के साथ अंत भी हो गया है। अमेरिका के इस सैन्य विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले ये आखिरी अमेरिकी सैनिक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहू हैं, जो अमेरिका के लिए काबुल से निकल रहे आखिरी C-17 विमान में सवार हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल मैकेंजी ने बताया कि अमेरिका का अंतिम C-17 विमान मंगलवार को आधी रात के तुरंत बाद ही अमेरिकी राजदूत के साथ काबुल से रवाना हो गया था। उन्होंने कहा कि जो लोग तय समय सीमा से पहले नहीं जा सके उनकी सहायता के लिए राजनयिक मिशन जारी रहेगा। और जैसे ही अमेरिका का अंतिम विमान रवाना हुआ, काबुल एयरपोर्ट और काबुल की सड़कों पर तालिबान ने गोलियां दागकर जश्न मनाया। 14 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया था। जनरल मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के गठबंधन ने कुल मिलाकर लगभग 1.25 लाख नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। इसका मतलब हुआ कि हर रोज करीब 7,500 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़कर गए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिका की पूर्ण वापसी के मौके पर कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया और एक सैन्य, राजनयिक और मानवीय अभियान भी बताया है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ एक नया अध्याय भी शुरू हो गया है। ब्लिंकन ने कहा कि सैन्य मिशन खत्म हो गया और एक नया राजनयिक मिशन शुरू हो गया है। घोषणा के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तालिबान को अपनी वैधता हासिल करने की जरूरत है और इस बात का फैसला इसी से होगा कि उन्होंने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्व को किस हद तक पूरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये भी कहा कि सभी अमेरिकी प्रतिनिधि काबुल छोड़ चुके हैं और अमेरिका अब दोहा में अफगानिस्तान के लिए एक राजनयिक कार्यालय स्थापित करेगा। ये कार्यालय अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक अमेरिकियों और अमेरिकी पासपोर्ट धारक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने में मदद करने के प्रयास को जारी रखेगा। ब्लिंकन जो बाइडेन कैबिनेट के पहले सदस्य थे जिन्होंने अफगानिस्तान से वापसी के बारे में बात की थी।
बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 17 दिनों में अफगानिस्तान से लोगों को निकाले जाने के अभियान में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए एक संक्षिप्त बयान भी जारी किया। इस बीच अमेरिका ने अभी तक उन रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं की है जिसमें एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर पर कथित अमेरिकी ड्रोन हमले में कई नागरिक मारे गए। इनमें 6 बच्चे शामिल थे और साथ ही अमेरिका सेना के साथ अनुवादक के तौर पर जुड़े एक नागरिक भी थे। वहीं मारे गए लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि काबुल हवाई अड्डे के पास एक कार पर हुआ हमला गलत सूचना पर आधारित था। पेंटागन ने कहा है कि वो इसकी जांच कर रहा है और सालों के युद्ध के बाद भी अफगान अनिश्चित दौर में है। वहाँ डर है कि आगे क्या होगा, अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में देश छोड़कर चले गए हजारों अफगानों के लिए आने वाले दिन अनिश्चितता और भय से भरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या वो अपनी मातृभूमि को फिर से देख पाएंगे या नहीं। बता दें, देश में रहने वाले 38 मिलियन अफगानियों के लिए तालिबान किस तरह का शासन लागू करेगा, इसे लेकर भी संदेह और शंका है। डर है कि क्या वो उन कठोर नियमों और दंडों को वापस लाएंगे जो बीते शासन के दौरान उनकी पहचान बन गए थे। अफगानिस्तान के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों का मानना है कि तालिबान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। महिलाओं और लड़कियों को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली क्योंकि पश्चिमी गठबंधन सेना ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया, लेकिन उन लड़कियों का अब क्या जो 20 सालों में आजादी महसूस कर बड़ी हुई है, जो अब मानती है कि वो जीवन नहीं जी सकती जिसका उनसे वादा किया गया था। अमेरिका के लिए भले ही उसका सबसे लंबा युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन निश्चित तौर पर अफगानों के लिए लड़ाई जारी है। पेंटागन ने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की है और उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ दिन और वहां रुक सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर इसे अफगानिस्तान के लिए आजादी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अमेरिका आज उसी इतिहास को जीवंत कर गया जिसे 1989 में तत्कालीन सोवियत रूस ने दोहराया था, जब 1979 से 89 तक चले 10 साल के भीषण संघर्ष के बाद सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भारी मंच से अफगानिस्तान की जमीन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए समझौते पर दस्तखत किए थे। कोल्ड वॉर के उस दौर में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के अगुआ और ईस्टर्न ब्लॉक के प्रमुख यूएसएसआर को इस युद्ध में अपने 15,000 जवानों को गंवाना पड़ा था। वहीं अब इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर इतना टकराव हो क्यों रहा है। ना उद्योग, ना धंधे, ना स्किल्ड मैन पावर, ना ही विलासितापूर्ण जीवन की उम्मीद। अफगानिस्तान आज भी तकनीक और विज्ञान से दूर है, मजहब के विकृत रूपों को छोड़ने पर मजबूर है। हालांकि अब जब से अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, उसके बाद काबुल में अब जश्न जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तालिबानी लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद तालिबान ने काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। इस दौरान हवाई क्षेत्र से उत्तरी सैन्य हिस्सों में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकमात्र रनवे के पास कुछ वाहन चलते नजर आए। भोर होने से पहले भारी हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके हैंगर के पास पहुंचे और अमेरिका विदेश मंत्रालय द्वारा निकासी अभियान में इस्तेमाल किए गए 7 CH-46 हेलीकॉप्टरों को वहां से रवाना होते हुए देखा। इसके बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हुए तालिबान के नेता रनवे पर चले गए और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि दुनिया ने सबक सीख लिया और ये जीत का सुखद क्षण है। बता दें, तालिबान के 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही हवाई अड्डे पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। एक अमेरिकी C-17 सैन्य माल वाहन विमान के किनारे लटकने के बाद नीचे गिरकर कुछ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस्लामिक स्टेट द्वारा हवाई अड्डे के बाहर किए हमलों में अमेरिकी बल के 13 सदस्य और कम से कम 150 अफगान मारे गए थे।
ऐसे में अमेरिकी सेना ने सोमवार देर रात करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म करने के बाद तालिबान लड़ाकों ने जीत का जश्न मनाने के लिए वहां हवा में फायरिंग की। लोगार प्रांत से हवाई अड्डे पर तैनात तालिबान का एक सुरक्षा कर्मी मोहम्मद इस्लाम हाथ में कलाश्निकोव राइफल लिए हुए भी दिखा। उसने कहा कि 20 साल बाद हमने अमेरिकियों को मात दे दी, ये स्पष्ट है कि हमें क्या चाहिए। हम शरिया, शांति और सौहार्द चाहते हैं। बता दें, कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने भी एक वीडियो में तालिबान के देश को नियंत्रण में लेने की तारीफ की। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे देश पर कब्जा करने वाले सभी वापस चले गए हैं। ये जीत हमें अल्लाह ने दी है। ये जीत मुजाहिदीन और उसके नेताओं के 20 साल के बलिदान की वजह से हमें मिली। कई मुजाहिदीन ने इसके लिए अपनी जान दी है। वहीं अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमे खलील जाद ने ट्वीट किया और लिखा कि अफगानिस्तान में हमारा युद्ध समाप्त हुआ। हमारे बहादुर सैनिकों, नौसैनिकों, मरीन और वायु सैनिकों ने बेहतरीन सेवाएं दी और उनके कुर्बानियां दी। उनके प्रति हम सम्मान और आदर व्यक्त करते हैं। हमारी सेना और हमारे सहयोगी जो हमारे साथ खड़े रहे, उनकी निकासी के साथ ही अब अफगानों के पास निर्णय लेने के पल हैं। उनके देश का भविष्य अब उनके हाथों में है। वो अपना रास्ता पूरी संप्रभुता के साथ चुनेंगे। उन्होंने दूसरे ट्वीट करते हुए कहा कि अब तालिबान की परीक्षा की घड़ी है, क्या वो अपने देश को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, जहां उनके सारे नागरिक, पुरुष और महिलाओं को तरक्की करने का मौका मिले। क्या अफगानिस्तान अपनी विविध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की ताकत और खूबसूरती को दुनिया के सामने ला पाएगा। वहीं अमेरिकी विमानों ने अफगानिस्तान का एयर स्पेस छोड़ा भी नहीं था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अमेरिका मुक्त होने की घोषणा कर दी। इस बीच नोटेम ने आपात संदेश जारी कर कहा कि काबुल एयरपोर्ट अब किसी के नियंत्रण में नहीं है और यहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी विमान का यहां से उड़ना या उतरना सुरक्षित नहीं है। वहीं तालिबान का कहना है कि इसकी स्पेशल फोर्स बद्री 313 ने काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। उधर जनरल मैकेंजी ने अमेरिका में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की घोषणा कर दी और उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे कुछ अमेरिकी नागरिक अभी अफगानिस्तान में ही रह गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के एक अखबार इत्तलेआत रोज ने दावा किया है कि दायकुंदी प्रांत के खदीर जिले में तालिबान ने कुल 14 लोगों को मारा है, जिसमें से 2 आम नागरिक हैं। वहीं हजारों मामलों पर नजर रखने वाले कार्यकर्ता का कहना है कि हम स्वतंत्र तौर पर पीड़ितों से बात नहीं कर सके हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया ने 14 लोगों के मारे जाने की खबर जरूर प्रकाशित की है। हजारा समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं का दावा है कि हजारा बकुल जिले दायकुंदी में तालिबान ने नजीबा लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में तोड़फोड़ और लूटपाट की और एक पत्रकार बशीर अहंग के मुताबिक इस लाइब्रेरी में स्थानीय हजारा लड़कियां और लड़के पढ़ाई करते थे। ऐसे में जब अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी कर ली है तो अफगानिस्तान में एक तालिबानी लड़ाकू का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही उनकी जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दरअसल पृथ्वी की सतह पर अफगानिस्तान नाम के भूखंड की बनावट और बसावट ऐसी है कि दुनिया के लिए अफगानिस्तान दुर्गु और लुभावना दोनों ही है। अब देखिए, अफगानिस्तान से होकर आसानी से पश्चिम एशिया जा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशिया देशों के लिए रास्ता सुगम है। वाखान गलियारे से होकर भी चीन जाया जा सकता है। ऐसे में ईरान अफगानिस्तान का पड़ोसी है और यहां से होकर आप फारस में जाकर यूरोप पहुंच सकते हैं। पूर्व में भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की लंबी सीमा मिलती है। अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत के लिए मध्य एशिया में जाने का रास्ता अफगानिस्तान से ही होकर जाता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान होकर मध्य एशिया जाए या फिर ईरान होकर गुजरेगा आखिरकार अफगानिस्तान से ही। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान सीमा भले ही अभी ना मिलती हो, लेकिन पीओके के जिस गिलगित बलिस्तान पर अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, वहां से अफगानिस्तान की सीमा
छूती है। हालांकि अब देखिए सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि अफगानिस्तान से फंसे हुए लोगों की वापसी कैसे हो सकती है और कौन से देश कैसे लोगों को वापस बुलाएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। करीब दो दशक तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। सोमवार की देर रात को आखिरी अमेरिकी सैनिक ने काबुल की धरती को अलविदा कहा। इसी के बाद अब तालिबान का अफगानिस्तान पर एक छत्र राज स्थापित हो गया है। 14 अगस्त के बाद से 31 अगस्त तक काबुल से जुड़ी मात्रा में लोगों का पलायन हुआ, लेकिन अभी भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं जो बाहर आना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है तब बाकी लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, क्या काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रह पाएगा। अमेरिका के मुताबिक 14 अगस्त से 30 अगस्त तक करीब 1.5 लाख लोगों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी करीब 200 अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें देश को छोड़ना है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास और बाकी राजनीतिक कामों को फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब अमेरिका जो भी कतर के साथ ही संपर्क कर अमेरिका अपने बाकी बचे लोगों को निकालने का काम करेगा और आगे का प्लान भी पूरा करेगा। अफगानिस्तान में काम करने वाले जो अमेरिका के राजनयिक थे वो भी अब दोहा से ही काम करेंगे और अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। अमेरिका के वापस जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान नेता दिखाई दिए। ऐसे में तालिबान अफगानिस्तान के मामले में कतर का रोल पहले से ही काफी अहम रहा है। जब अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हुई तब दोहा को ही चुना गया था। दुनिया के साथ राजनीतिक तौर पर बातचीत करने के लिए दोहा ही तालिबान की मुख्य जगह है और उसके कई नेता दशकों से दोहा में रुके हुए हैं। अब आने वाले दिनों में दोहा पर दुनिया का ध्यान और भी जाएगा क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की तरह अन्य देशों के नागरिकों का रास्ता भी इसी शहर से होकर निकल सकता है। भारत ने भी जब अपने लोगों को निकालने का काम किया था तब वो कतर में एयर स्पेस का ही इस्तेमाल कर रहा था। भारत इस दौरान कतर के अलावा तजाकिस्तान का भी सहयोग ले रहा था, लेकिन तजाकिस्तान को लेकर चिंता इसलिए भी रहती है क्योंकि उसके लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की एयरबेस का इस्तेमाल करना होता है जो तालिबान के राज में अभी चिंता का विषय ही है। वहीं अमेरिका का और कई प्रमुख यूरोपीय देशों समेत 90 से ज्यादा देशों ने तालिबान की तरफ से विदेशी और अफगान नागरिकों को निकालने के लिए दिए गए आश्वासन पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। संयुक्त बयान में इन सभी देशों ने बताया कि उन्हें तालिबान की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सभी विदेशी नागरिकों और सभी की अफगान नागरिक को अपने देशों से यात्रा प्राधिकरण के साथ सुरक्षित रूप से अफगानिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अब तक कई देशों ने अपने काफी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। भारत, एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान से 565 लोगों को एयरलिफ्ट किया है जिसमें से ज्यादातर दूतावास के कर्मचारी और वहां रहने वाले नागरिक हैं। साथ ही अफगान सिख और हिंदू सहित दर्जनों अफगान नागरिक भी भारत लाए गए हैं। जर्मनी ने गुरुवार को निकासी उड़ानें समाप्त कर दी और जर्मन सेना ने 4100 से ज्यादा अफगानों सहित 5347 लोगों को निकाल दिया है। जर्मनी ने पहले कहा था कि उसने 10,000 लोगों की पहचान की है जिन्हें निकालने की आवश्यकता है, जिनमें अफगान स्थानीय कर्मचारी, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। लगभग 300 जर्मन नागरिक अफगानिस्तान में रह गए हैं और ऐसे में बर्लिन में विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को ये कहा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार शाम तक 100 से ज्यादा फ्रांसीसी नागरिक और 2500 से ज्यादा अफगान काबुल से निकाले जा चुके हैं जो फ्रांस की धरती पर पहुंच गए हैं। इटली ने कहा है कि 26 अगस्त तक 4832 अफगानों को अफगानिस्तान से बाहर लाया गया था। इटली में अब तक कुछ 4575 आ चुके हैं और ऐसे में विदेश मंत्री लुइगी डी माओ ने संवाददाताओं से कहा कि इटली सरकार को उम्मीद है कि उसकी अंतिम निकासी उड़ान शुक्रवार को रात तक अफगानिस्तान से रवाना होगी। वहीं अब देखने वाली बात है कि आगे बाकी बचे फंसे हुए नागरिकों को कौन कौन से देश कैसे निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
काबुल पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन ने 1839 से लेकर 1919 तक अफगानिस्तान के अमीरों से 3 युद्ध किए। अगर दूसरे युद्ध में ब्रिटेन की मामूली जीत को छोड़ दिया जाए तो बाकी की दोनों लड़ाइयों में ब्रिटानिया साम्राज्य को भयानक जनधन की क्षति उठानी पड़ी थी। जैसा कि हर बड़ी ताकत भय के आवरण में जीती है, उसी तरह ब्रिटेन को भी लगता था कि अगर काबुल उसके कब्जे में ना आया तो सोवियत रूस काबुल पर कब्जा कर देगा। और 1839 में पहले संग्राम में ब्रिटेन ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां अपना अमीर बिठा दिया, लेकिन अफगान की स्थानीय मिलिशिया और कबीलों का संघर्ष जारी रहा और 1842 में अफगानिस्तान और ब्रिटेन में खौफनाक जंग भी हुई। ऐसे में अफगानिस्तान ने कबीलाई लड़ाकों ने दुनिया की शीर्ष ताकत को पानी पिला दिया। 1919 में अफगानिस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन इस मुल्क की प्रकृति ही ऐसी है कि यहाँ राष्ट्रीयता की पहचान से ज्यादा बलवती क्षेत्रीय और जनजातियां पहचान है। पख्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, तुर्कमान जैसी जनजातियों की बहुसांस्कृतिक पहचान के बीच यहाँ राष्ट्रीय पहचान का पनपना बेहद मुश्किल है। लिहाजा आजादी के बाद भी ये देश आंतरिक संघर्षों से जूझता रहा और इसीलिए आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की बात नहीं होती है। दर्जनों वॉर लॉर्ड्स मिट्टी पर पनपते हैं, हजारों मिलिशिया पैसे के लिए उड़ते हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय अस्मिता से ज्यादा महत्वपूर्ण जातीय और क्षेत्रीय अस्मिता है। इसीलिए इस मुल्क में कभी अमीर की हुकूमत रहती है तो कभी तालिबान पनपता है, तो कभी अहमद शाह, मसूद, हिकम तैयार और हक्कानी जैसे लड़ाके अपने रिट चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब देखिए, अमेरिका ने शांतिपूर्वक अपनी वापसी तो कर दी है, लेकिन जाते जाते अमेरिका ने तालिबान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान की डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे से पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती छोड़ दी। 31 अगस्त यानी कि आज की डेडलाइन थी, मगर आधी रात को ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला कर लिया था। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अफगानिस्तान के बाद से जो हालात हैं उससे दुनिया भर में चिंता है। अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है, लेकिन वापसी से पहले अमेरिकी सेना ने कई उन विमानों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा जो अफगानिस्तान में तैनात किए थे। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 73 विमानों को बेकार कर दिया गया और अब वो विमान कभी भी नहीं उड़ पाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया है, अब इनका इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा उन गाड़ियों को भी अमेरिका सेना ने नष्ट कर दिया जो हथियारों से लैस थी। जानकारों की माने तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़ दिए हैं उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे ही बेकार कर दिया है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिन हथियारों की तैनाती की थी वो सभी देश के अंदर की परिस्थितियों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, यानी इन हथियारों को तालिबान चाह कर भी किसी दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान किस कदर आतंक मचाएगा इसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दरअसल अफगानिस्तान से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंधार के आसमान में उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से एक आदमी को भी लटका रखा है और अभी ये साफ नहीं हुआ है कि जिसे हेलीकॉप्टर से लटकाया गया है वो कौन है, लेकिन ये वीडियो वायरल जरूर हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने के बाद अमेरिकी अखबार लॉस एंजेलिस टाइम्स के एक रिपोर्ट ने एयरपोर्ट का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें दिखता है कि तालिबान के लोग एयरपोर्ट के हैंगर में जाकर अमेरिकी विमानों का मुआयना कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही अपने अत्याधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया है जो कि वो काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ आया है। वहीं सी रैम सिस्टम से अमेरिकी सेना ने सोमवार इस्लामिक स्टेट के लिए एक रॉकेट हमले को नाकाम किया था। इससे पहले बता दें, पिछले कुछ सप्ताह से ऐसी रिपोर्टें आती रही कि तालिबान लड़ाके बड़ी संख्या में अमेरिका में बने सैन्य हथियारों को और वाहनों को एक साथ देखे जा रहे हैं। इन्हें असल में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की सेना को दिया था, मगर उन्होंने बड़ी आसानी से समर्पण कर दिया, जिसके बाद ये हथियार और वाहन तालिबान के हाथों में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
सदी बदल गई, नहीं बदली तो वो थी अफगानिस्तान की तकदीर। जिन मुजाहिदीनों को अमेरिका और अब पाकिस्तान ने खड़ा किया था, यूएसएसआर के जाने के बाद वो बेजार और बिखरे थे। एक बार फिर से उनकी क्षेत्रीय पहचान टकरा रही थी और इनमें से कई ताकतों ने तालिबान की शक्ल लेकर 1996 में ही अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर दिया था। साल 2001 में 11 सितंबर को भारत के लोगों ने समाचार चैनलों पर जो कुछ देखा वो दृश्य फिल्म से भी भयावह था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गगनचुंबी इमारतें हवाई जहाज के हमलों से आग का गोला बनकर जैसे पिघल रही थी। ऐसी तस्वीरें दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। आतंकी हमले की रोमांचित और भयभीत कर देने वाली वीडियो दुनिया ने इतनी स्पष्टता और बारीकी से पहली बार ही देखी थी। इस हमले में लगभग 4000 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस हमले के लिए तालिबान आतंकी मुल्ला उमर और अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया था। जॉर्ज बुश ने उस समय कहा था कि हमलावरों का ढूंढ कर शिकार करेंगे और इसके साथ ही नाटो के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाएं काबुल में प्रवेश कर गईं और 7 अक्टूबर 2001 को बुश ने तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की घोषणा कर दी थी। 20 साल गुजर गए, अमेरिका ने अपने दुश्मनों आतंकी मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन का खात्मा भी कर दिया है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान लगभग उसी मोड़ पर है जैसा साल 2000 में था। मलबों में भविष्य तलाश का, बारूदों से बर्बाद हुए शवों को उठाता, जख्मों से रिसते हुए लहू को देखता, काबुल कंधार और गजनी में AK-47 के साथ खेलते बच्चों को त्रासदी पूर्वक देखता। आज 31 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना वापस गई उसी धारणा को मजबूत करते हुए कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।